हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कैसे हम लोग प्लगइन के हेल्प से रजिस्ट्रेशन फॉर्म और लॉगिन फॉर्म क्रिएट करते हैं। और इस प्लगइन से आप अपने वेबसाइट पे यूजर्स के रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। आप अपने पोस्ट में अपने पेजेस पर रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जब तक वो लॉगिन नहीं करते हैं या रजिस्टर नहीं करते हैं आपके पेज पे, तब तक वो आपके पेज को या पोस्ट को एक्सेस नहीं कर सकते। सो ये सब भी हम लोग कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग अपने डैशबोर्ड में आ चुके हैं और हमें आना है प्लगइन्स में और वो प्लगइन इंस्टॉल करना है। उस प्लगइन्स का नाम है अल्टीमेट मेंबर। अगर आपको प्लगइन इंस्टॉल करने नहीं आता है तो मैंने वर्डप्रेस का पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसके हेल्प से आप वर्डप्रेस के बेसिक सारी चीजों को आप सीख सकते हैं। जिसमें मैंने बताया कि प्लगइन को कैसे इंस्टॉल करते हैं। सो आपको नहीं पता है तो आप इस एड न्यू पर क्लिक कीजिएगा और सर्च बार में अल्टीमेट मेंबर सर्च कीजिएगा। तो मैंने अल्टीमेट मेंबर पहले से इंस्टॉल कर लिया है, सिर्फ मैं इसको एक्टिवेट करती हूँ। हो चुका है, आप देख सकते हैं। सिर्फ आप स्क्रॉल डाउन कीजिए तो ये एक्टिवेट हो चुका है। आप जैसे स्क्रॉल अप करते हैं सो आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं, क्रिएट पेजेस एंड नो थैंक्स। अगर आप क्रिएट पेजेस पे क्लिक करते हैं तो आपको ऑटोमेटिक रजिस्टर, लॉगिन और अदर अकाउंट्स के पेजेस क्रिएट हो जाते हैं। आपको क्लिक करना है क्रिएट पेजेस पर। ये आपके सारे पेजेस क्रिएट हो चुके हैं। यूजर्स पेज के लिए यूजर पेज क्रिएट हुआ है, लॉगिन के लिए लॉगिन पेज क्रिएट हुआ है, एंड रजिस्टर के लिए रजिस्टर पेज क्रिएट हुआ है, मेंबर्स के लिए मेंबर पेज एंड अदर्स पेजेस जो भी आप देख रहे हैं। यहाँ पे सारे पेज ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। आपको जाना है पेजेस में और अल्टीमेट मेंबर ने ये सारे पेजेस ऑटोमेटिक क्रिएट कर लिए हैं। आपको सिर्फ इसको सेट करना है और इसमें रेस्ट्रिक्शंस लगाने हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके वेबसाइट पे कोई आए और लॉगिन करे, उसका डाटा आपको डैशबोर्ड पे अपने यूजर्स में मिले, तो ये बेस्ट प्लगइन है। आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन UM रजिस्टर मीन्स ये अल्टीमेट मेंबर का ऑटोमेटिक क्रिएट किया गया पेज है। ये भी देख सकते हैं UM पासवर्ड रिसेट एंड UM मेंबर, UM लॉग आउट एंड लॉग इन एंड यहाँ पे अकाउंट है। तो ये सारे पेज अब ऑटोमेटिक क्रिएट हुए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पर मेन्यू में ऐड करते हैं। सो आते हैं अपने डैशबोर्ड में और हमें क्लिक करना है अपीयरेंस में एंड मेन्यू पर। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं UM का जो भी बना हुआ पेज है, यहाँ पे आपको उसका नेम दिख रहा है। सो हमें सिर्फ ऐड करना है रजिस्टर एंड लॉगिन, ऐड टू मेन्यू। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं स्टूडेंट कस्टम लिंक। सो आपको यहाँ पे कस्टम लिंक मीन्स आपको सिर्फ एक हैशटैग लगाना है और यहाँ पे आपको लिखना है स्टूडेंट। ये अगर स्टूडेंट के लिए तो हम स्टूडेंट ही लिख सकते हैं, या कस्टमर है या कोई भी, आप उसका नेम चेंज कर सकते हैं। सो इसको हम लोग ने ऐड कर लिया। इसको हम अबाउट लाते हैं। और इसके ये सब मेन्यू होंगे रजिस्टर और लॉगिन। और लॉगिन करने के बाद आपको कौन से पेज दिखाने हैं, तो आपको यहाँ पे माय अकाउंट और लॉग आउट के पेज दिखाने हैं। जब लॉगिन हो जाएंगे तब कोई भी मेंबर या कोई भी आपका विजिटर आता है, लॉगिन करने के बाद आपको अकाउंट और लॉग आउट के ऑप्शंस दिखाने हैं। सो आप ऐड टू मेन्यू कर लीजिए। इसको भी आप यहाँ पे ट्रैक कर लीजिए। अब आप यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कौन कर सकता है?
लॉग इन नहीं है, मीन्स लॉग आउट है, तो आप अप कर दीजिए. एंड लॉग इन कौन कर सकता है? आउट. ओके. एंड अकाउंट कौन विजिट कर सकता है? जो लॉग इन होगा. ओके. एंड देन यहाँ पे आपको ये भी लॉग इन ही रहेगा, लॉग आउट, ये सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे जब यूजर्स लॉग इन होंगे, और रजिस्ट्रेशन जब लॉग आउट होगा यूजर तो ये दिखेगा. ओके. एंड लॉग इन भी जब यूजर लॉग आउट रहेगा तो ये वाले ऑप्शंस दिखेंगे. सो नाउ हम लोग सेल्फ मेन्यू पर क्लिक करते हैं. इधर आप अपने किसी भी पोस्ट को भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, आप इस पर क्लिक कीजिएगा. अगर कोई आप चाहते हैं कि आप लॉगिन यूजर्स आपके अबाउट अस को देखें, तो आपको इसी तरह पर क्लिक करना है और उसके बाद वहां पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं. अबाउट अस पे मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं हु कैन सी दिस मेन्यू लिंक, इस मेन्यू लिंक को कौन देख सकते हैं? जो लॉगिन होंगे. इसी तरह पोस्ट के भी हो सकते हैं, हर पोस्ट को आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अपने अनुसार, पेजेस को. ठीक है, तो उसको सेव मेन्यू अप कर दीजिए. अब आते हैं आप लोग अपनी वेबसाइट पर और उसको रिफ्रेश करते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स एक आपको मेन्यू दिख रही है, और यहाँ पे लॉग आउट और अकाउंट, बिकॉज मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया है इसीलिए ये यहाँ पे ये शो कर रहा है. देख सकते हैं यहाँ मेरे लिए रजिस्ट्रेशन और ये स्टूडेंट के मेन्यूज दिख रहे हैं. सो ये पिछले वीडियो में मैंने पॉपअप साइन अप और लॉग इन कैसे क्रिएट करते हैं ये मैंने बताया था. इसका जो लिंक है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. नाम देख सकते हैं स्टूडेंट और इसके नीचे रजिस्टर और लॉग इन का ऑप्शन है. हम लोग रजिस्टर पर क्लिक करते हैं. विंडो है और ये इसमें मैं लॉग इन नहीं हूँ. यहाँ पे आप लॉग इन पर भी क्लिक करके देख सकते हैं. लॉग इन का अलग डैशबोर्ड आएगा जहाँ पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना होगा. सकते हैं ये वाले. मैं यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करती हूँ. हम लोग यहाँ पे अपना यूजर अकाउंट्स बनाते हैं, रजिस्टर करते हैं. मैं नाम यहाँ पे अपना नाम देती. तो आप देख सकते हैं हम लोग लॉगिन हो चुके हैं और ये हम मेरा जो है यूजर अकाउंट है, जहां मैं यहाँ पे अपना कवर फोटो लगा सकती हूँ और यहाँ पे मेरा प्रोफाइल पिक्चर होगा. और आप देख सकते हैं अबाउट सेक्शन है, अगर मैं यहाँ पे अबाउट लिखती हूँ तो मेरा अबाउट सेक्शन आएगा और ये पोस्ट एंड कमेंट्स. आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो है ये अनविजिबल है, लेकिन यहाँ पे अकाउंट और लॉगआउट का ऑप्शंस आ रहे हैं आप देख सकते हैं. हम लोग यहाँ पे अकाउंट पर क्लिक करते हैं. ये हमारा अकाउंट आ चुका है. अब यहाँ पे चेंज पासवर्ड भी कर सकते हैं, डिलीट अकाउंट भी कर सकते हैं और यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं. ये बहुत ही इजी है. प्लगइन को इंस्टॉल करने के बाद हम लोग एक बहुत ही अच्छा रजिस्ट्रेशन पेज और लॉगिन पेज क्रिएट कर सकते हैं, और एक बहुत ही सुंदर आपको अकाउंट, यूजर अकाउंट, जहाँ पे वो यूजर्स अपने मैनेजमेंट सारा कुछ करते हैं और उसका डिटेल्स आपको आपके डैशबोर्ड पे आ जाता है. हम लोग देखते हैं वो डिटेल्स.
हम लोग अपने डैशबोर्ड में आते हैं और डिटेल्स को देखते हैं। हम लोग आएंगे यूजर में, यूजर पर क्लिक करेंगे और मैंने जो भी डाटा फिलअप किया था यहाँ पे आपको शो करेगा। आप देख सकते हैं मैंने ये सारा डाटा फिलअप किया, मैंने किया था एज अ सब्सक्राइबर। सो आप देख सकते हैं ये डाटा यहाँ पे आ चुका है। सो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई क्वेश्चंस होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन बी कंसिस्टेंट एंड बी अनलिमिटेड।